सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ वो था दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन का था। फुल ईयर का इनका रिजल्ट था। अपनी फोर्थ क्वार्टर में 3.80 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 4.44 रुपए की अर्निंग थी। फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 7.75 रुपए है। पिछले साल जो है वो 10.02 रुपए की अर्निंग पे खड़ी थी कंपनी। पे आउट को अनाउंस नहीं किया। वेथ लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 33.62 रुपए का इनका लॉस आया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 23.53 रुपए का जो है वो अर्निंग थी इनकी। तो इस तरह इनका ये जो करंट ईयर है ये लॉस में गया है। 92.28 रुपए का टोटल लॉस है इस साल। पिछले साल 16.30 रुपए की अर्निंग थी। पे आउट साथ अनाउंस किया है, 25 रुपए का डिविडेंड दिया है इन्होंने। SAPL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 51.76 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल 21.34 रुपए की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी फुल ईयर की अर्निंग है वो 51.12 रुपए है। पिछले साल जो है वो 16.05 रुपए इनकी अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। बैंक ऑफ खैबर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 49 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 71 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल जो 2020 की इनकी EPS है वो 2.15 रुपए पे है। पिछले साल 1.31 रुपए की अर्निंग थी। पे आउट्स में इन्होंने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया है और साथ में बोनस शेयर दिए हैं 5% के। जनाना दी मालूचो टेक्सटाइल मिल्स को हार्ट का भी आज हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 25.93 रुपए की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनकी 2.42 रुपए का लॉस था। ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की करंट अर्निंग जो है वो 32.44 रुपए पे आ गई है। पिछले साल 4.58 रुपए का लॉस चल रहा था इनका। पे आउट जो है इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। एमटेक्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 7 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 36 पैसे का लॉस था। हाफ ईयर की जो टोटल अभी भी ये लॉस में है, 18 पैसे का लॉस चल रहा है इनका। पिछले साल 59 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया इन्होंने। मेट्रोपॉलिटन स्टील का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 15 पैसे का लॉस है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 4 पैसे की अर्निंग थी। हाफ ईयर की टोटल इनकी जो लॉस है वो 10 पैसे का हो गया है। पिछले साल 12 पैसे का इनका लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बाबरी कॉटन मिल्स को हार्ट का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 31.96 रुपए का लॉस है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी लॉस था 26.97 रुपए का। तो ओवरऑल इनका इस साल का जो लॉस हो गया है वो तकरीबन 60 रुपीज का हो गया है। पिछले साल ये 43 रुपए के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। शेल पाकिस्तान ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 11.64 रुपए की अर्निंग आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 5.67 रुपए का लॉस था। तो ओवरऑल इस साल भी ये लॉस में गया है। पिछले साल के मुकाबले में लॉस इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 45.05 रुपए का लॉस है इस साल। पिछले साल जो है वो 13.88 रुपए का लॉस था। पे आउट कोई नहीं दिया इन्होंने।